हेलो फ्रेंड्स, ब्रिटिश काल के दौरान अंग्रेजों ने भारतवर्ष में बहुत से हिल स्टेशन विकसित किए। हम आपके लिए उनकी एक सीरीज बनाने जा रहे हैं। ऐसा ही एक हिल स्टेशन है कसौली, आज की हमारी मंजिल। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं इस हिल स्टेशन को करीब से। चंडीगढ़ से इस स्थान की दूरी लगभग 60 किलोमीटर है। रूट है परवानू, धर्मपुर और फिर कसौली। वैसे 5-6 अलग अलग सड़क मार्गों से भी हम कसौली पहुंच सकते हैं। एक रास्ता और है, वो है ट्रैकिंग रूट कालका से कसौली, करीब 25 किलोमीटर। इस रूट की सटीक जानकारी जुटाकर कभी ये अनुभव भी आपके साथ साझा करने की कोशिश करेंगे। मानसून के दिनों में पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड अक्सर होती रहती है, इसलिए सावधानी रखें। धर्मपुर पुलिस स्टेशन क्रॉस करते ही ये है कसौली चौक। यहाँ से बाई सड़क मुड़ रही है कसौली के लिए। लगभग 10 किलोमीटर लंबे इस मार्ग पर दर्जनों के हिसाब से होटल हैं, एक से बढ़कर एक। वैसे तो चंडीगढ़ ट्राई सिटी और आसपास से कसौली आने वालों की हमेशा भीड़ लगी रहती है, परंतु सीजन में ये संख्या कई गुना तक बढ़ जाती है। यदि आप कसौली में नाइट स्टे के मूड के साथ यहाँ आ रहे हैं, तो सीजन के दिनों में किसी असुविधा से बचने के लिए होटल की एडवांस बुकिंग लेकर ही आए। ये है गढ़खल, कसौली से जरा सा पहले। ज्यादातर पर्यटक यहीं रुकते हैं। कसौली से थोड़ा सस्ता और व्यू लाजवाब। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, कसौली तक पहुंचने के कई मार्ग हैं। उनमें से एक परवानू से यहां पहुंचने वाला रास्ता, ये यहां दाएं तरफ से यहां आ रहा है। कुछ अरसा पहले तक यहां एक छोटी सी पार्किंग हुआ करती थी, लेकिन अब यहां मल्टी लेवल पार्किंग बन चुकी है। इससे यहां पहुंचने वाले पर्यटकों को वाहन पार्क करने के लिए कम परेशानी होती है। पार्किंग फीस घंटों के हिसाब से वसूल की जाती है। दाएं तरफ है ब्रिटिश काल की चर्च, लगभग 175 वर्ष पुरानी। इसे अंदर से हम बाद में देखेंगे। कसौली में देखने लायक बहुत सी जगहें हैं। मंकी पॉइंट, सनराइज पॉइंट, सनसेट पॉइंट, गिलबर्ट ट्रेल, लवर्स पॉइंट, सुसाइड पॉइंट, चर्च ऑफ इंग्लैंड, मॉल रोड, हेरिटेज मार्केट, ओल्ड हेरिटेज सिटी और मेडिटेशन पॉइंट। ये है मेजर ध्यानचंद, हॉकी के विश्व प्रसिद्ध जादूगर। हेरिटेज मार्केट भी कसौली का एक प्रमुख आकर्षण है। ये मार्केट यहाँ आने वाले सैलानियों का पहला स्पॉट है। इस मार्केट में कुछ समय बिताना उस इतिहास में पहुंच जाने का एहसास देता है। यहाँ से आप इस यात्रा की स्मृति के रूप में कीरिंग्स इत्यादि गिफ्ट आइटम्स खरीद सकते हैं। 90% सैलानी बस इसी मार्केट से लौट जाते हैं, लेकिन हम इसे आगे चलते हैं। यहाँ से दाएं तरफ है मेडिटेशन पॉइंट और सीधे है ओल्ड हेरिटेज सिटी। यहाँ हमारी मुलाकात एक बाइकर से हुई। अरे ये वाला नहीं, वो तो बहुत खतरनाक है, खुद देख लो। बचपन के हसीन सपने के इस सुंदर अनुभव के बाद हेरिटेज मार्केट में से होते हुए ध्यानचंद चौक और फिर यहाँ से सीधे। कुछ नाश्ता वास्ता करना हो तो यहाँ भी कर सकते हैं, आगे कोई विकल्प नहीं के बराबर है। यहाँ बैठकर थोड़ा आराम कर सकते हैं और वैली के मनमोहक प्राकृतिक दृश्यों का आनंद ले सकते हैं। हर तरफ हरियाली, ठंडी ठंडी हवा, शांत वातावरण। ऐसे में पैदल चलना थकाने वाला होने के बावजूद दिलो दिमाग को सुकून और ताजगी से भर देता है। यह है टक शॉप, यहाँ सिर्फ पानी और कोल्ड ड्रिंक उपलब्ध है। पर्यटकों की सुविधा के लिए सारे रूट पर साइन बोर्ड्स लगे हैं। हमें सीधे जाना है सनसेट पॉइंट के लिए। वैसे एक ट्रेल इधर भी है, लेकिन ये वो नहीं। जी नहीं, ये धुंध नहीं, बादल हैं, जैसे सैलानियों के स्वागत में धरती पर उतर आए हैं। आगे मौसम और भी सुहावना हो रहा है,
लो जी पहुंच गए सनसेट पॉइंट। ये भी इस स्थान की एक खासियत है, अच्छे भले खिली हुई धूप के मौसम में अचानक से कब कहीं से बादल आपको घेर लें, कुछ नहीं कहा जा सकता। मौसम का इतना हसीन मिजाज देखकर हमारे याद ख्याल में भी नहीं कि हम सनसेट देखने के लिए यहाँ आए हैं, और सनसेट ना देखने का कोई मलाल नहीं। थोड़ा काम पेंडिंग था वो यहाँ निपटा लिया। सनसेट पॉइंट के बाद चलते हैं गिलबर्ट ट्रेल। वैली और पहाड़ियां बादलों से घिरी हुई हैं। करीब 400 मीटर के बाद दाएं तरफ एक छोटा सा रास्ता मुड़ रहा है। मोड़ पर बोर्ड लगा है गिलबर्ट ट्रेल के लिए। इस तरफ आने से पहले अपने साथ कुछ खाने पीने का सामान व स्नैक्स अवश्य रख लें, विशेषकर यदि आपके साथ बच्चे या बुजुर्ग हों। इस ट्रेल पर चलते हुए आप खूबसूरत वाइल्ड फ्लावर, पक्षी और वनस्पतियां देख सकते हैं। यहां से चंडीगढ़, ट्राई सिटी, पिंजौर, कालका और आसपास के इलाके का अति सुंदर दृश्य दिखाई देता है। मौसम साफ नहीं है सो वो सब तो दिखेगा नहीं, फिर कभी सही। अभी वापस लौट चलते हैं। जिंदगी में कभी कभार मिलने वाले ऐसे लम्हों को भला कौन संजोकर नहीं रखना चाहेगा। कचरा फैलाते हुए पकड़े जाने पर जुर्माना है 2500 रुपए। वैसे पर्यावरण की सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य भी है। ये है क्राइस्ट चर्च। अपनी आकर्षक भवन निर्माण शैली के कारण ये स्थान भी पर्यटकों की मस्ट विजिट सूची में रहता है। इस चर्च में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने वालों में हर उम्र, धर्म और वर्ग के लोग शामिल होते हैं। धार्मिक स्थानों की पवित्रता बनाए रखने के लिए जूते बाहर ही निकालकर अंदर दाखिल होना चाहिए, और यहाँ भी ऐसा ही होता है। इस चर्च का निर्माण लगभग 175 वर्ष पहले हुआ था। इतना ही पुराना इसका फर्नीचर व आंतरिक साज सज्जा है। इस चर्च के निर्माण में लगभग 9 साल का समय लगा था, और उस समय खर्च आया था 18,300 रुपया। कसौली एक कैंटोनमेंट एरिया है, इसलिए फोटोग्राफी करते समय नैतिकता का ध्यान रखें और कृपया किसी मिलिट्री संस्थान की फोटो ना खींचें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही कुछ और जाने अनजाने स्थानों की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।